हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस टू डॉक्टर नगर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे मैं आज आपको ऐसा सेंटेंस सिखाऊंगा कि आप चाहिए वाला सेंटेंस बोल सकते हो कि आपको जितना भी चाहिए बोलना हो मुझे पढ़ना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए उसे खेलना चाहिए मुझे एक लाल शर्ट चाहिए उसे एक लाल पैंट चाहिए उसे एक बोतल शराब चाहिए तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए उसे अवश्य पढ़ना चाहिए तुम्हें खेलना चाहिए तो जितने तरह का चाहिए बोला ना इस सबका चाहिए अलग अलग है हम लोग सोचते हैं जितना भी चाहिए मिला सबको सूट लगा दो जितना भी चाहिए लगा मस्त लगा दो नहीं बच्चे आपको चाहिए के लिए ना अलग अलग तरह के सेंटेंस में दूंगा ताकि आप आज के बाद अंग्रेजी लिखो अंग्रेजी बोलो आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा आप इजी वे में कोई भी अंग्रेजी लिख सकते हो बोल सकते हो चाहे आपको बोलना हो आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए आपको जो सलाह देना हो आपको कुछ भी चीज़ बोलना हो आपको एक एक पार्ट आज देखते हैं कैसे हमने कहा वांट, वांट का मतलब ही चाहिए नीड भी चाहिए रिक्वायर शुड मस्ट और टू ये सब का मतलब चाहिए होगा एक एक कर उठाते हैं और देखते हैं कि वांट का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार के चाहिए में हम होगा हमने कहा वांट की बात तो वांट का प्रयोग तब करेंगे जब छोटी मोटी इच्छा हो छोटा सा डिजायर हो आपको प्रयोग करना है जैसे मुझे एक लार्ज शर्ट चाहिए यहां पे ध्यान देना वांट की बात तो वांट को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस वांट वांट्स या आप बोल सकते हो वांटेड वांट want का एक नेचर है कि अपने साथ टू जरूर लेता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड हमने यहां पे लेकिन इसका सेंस चाहिए नहीं होगा इसका सेंस होगा चाहता हूं यानी कि सेंटेंस यहां पे चाहिए नहीं हुआ चाहता हूं अगर आपको चाहिए बोलना है तो सब्जेक्ट प्लस वांट या वांटेड या फिर वांट्स बास मेरे बच्चे वांट्स प्लस टू यहाँ पे आया है जब वर्ब होगा तो टू आ जाएगा यहाँ पे वर्ब नहीं तो वान्ट वांट वांटेड या वांट्स वांटे के बाद ए एन इसके बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग हम करेंगे आप इस स्ट्रक्चर को आराम से आप लिखते रहें तब जाके काम कम कम्प्लीट होगा ठीक है तो सब्जेक्ट प्लस वांट वांट्स वांटेड टू प्लस वी वन तो यहाँ पर क्या हुआ? चाहता हूँ लेकिन हमने बोला वांट वांटेड ए एन प्लस नाउन तो यहाँ पर हिंदी हो गया चाहिए हिंदी क्या हो गया चाहिए तो यहाँ पे हम लोग चाहिए का सेंस इस तरह से देखेंगे तो वांट वांटेड वांट्स वांट, वांट, प्लस एन प्लस नाउन सेंस क्या हो गया चाहिए तो यहाँ पे चाहिए सेंस होगा अब सेंटेंस बोलना है मुझे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू मीट यू लेकिन यहाँ सेंटेंस है मुझे एक लाल शर्ट चाहिए तो बोलो छोटी मोटी इच्छा है कि नहीं मुझे एक लाल शर्ट चाहिए डिजायर है कैसा डिजायर छोटा सा डिजायर तो आई वॉन्ट अ रेड शर्ट तो आई वॉन्ट अ रेड शर्ट तो वॉन्ट प्लस ए एन ए एन के बाद चाहो तो यहां पर आप एडजेक्टिव लगा सकते हो इसके बाद नाम लगा सकते हो तो इसका सेंस हो जाएगा चाहिए चाहिए का सेंस हो जाएगा बच्चे तो यहां पर ध्यान देना है कि आई वॉन्ट अ रेड शर्ट है ना मुझे एक लाल शर्ट चाहिए था तो आई वॉन्टेड अ रेड शर्ट वांटेड अ रेड शर्ट आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो आसानी से लिख सकते हो बसरते चाहिए का जितना सेंटेंस हो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है बस आप एक लाइन सीखो तो हमने कहा आई वॉन्ट अ रेड शर्ट आई वांटेड अ रेड शर्ट तो रेड शर्ट कैसा है छोटा सीजायर है तो छोटी मोटी डिजायर के लिए छोटी मोटी इच्छा के लिए हम वॉन्ट का प्रयोग करते हैं जब चाहिए का सेंस हो ध्यान रखना कि चाहिए हो तो टू नहीं आएगा यहाँ देखो ए एन प्लस प्लस नाउ अगर चाह चाहता हूँ बोलना है आई वॉन्ट टू मीट यू आई वॉन्ट टू गो देयर आई वॉन्ट टू राइट इंग्लिश आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश तो जहां पे वांट बोलना हो वहां पे टू तब बोलना जब चाहता हूं यहां भी विश और डिजायर है लेकिन जब कोई चीज चाहिए आवश्यकता हो तो उसके लिए हम लोग वांट या वांटेड प्लस वांट्स का प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग नहीं करेंगे अगला कंसेप्ट अब समझना कि मुझे एक लाल शर्ट चाहिए और अगर मैं बोलूं कि मुझे एक शर्ट चाहिए समझना बच्चे बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन है यहां पे जानना हमने कहा मुझे एक लाल शर्ट चाहिए फिर बोला मुझे एक शर्ट चाहिए मेरी बात पर ध्यान देना मुस्कुराओ नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूं मुझे एक शर्ट चाहिए अब जब बताना बच्चे मुझे एक शर्ट चाहिए और लाल शर्ट चाहिए में क्या अंतर है बताओ लाल शर्ट चाहिए फरमाइश से लेकिन मुझे एक शर्ट चाहिए जरूरत है तो जब कोई जरूरत हो नीड में क्या लिखोगे कि जब जरूरत हो जिसके बिना जीवन अधूरा हो जिसके बिना काम ना चलता हो जिसके बिना जीवन अधूरा हो जिसके बिना काम न चलता हो वहां पे नीड का प्रयोग करेंगे यानी नीड तब आएगा, जैसे मनुष्य को हवा चाहिए, मनुष्य को भोजन चाहिए मुझे शर्ट चाहिए अब शर्ट चाहिए यानी कोई फरमाइश नहीं है अगर हमने कहा मुझे लाल शर्ट चाहिए इसका मतलब पीला हरा उजला मेरे पास होगा ना तभी तो लाल की फरमाइश किया ना तो लाल शर्ट चाहिए वांट प्रयोग। लेकिन हमने कहा कि मुझे शर्ट चाहिए यार तो शर्ट चाहिए मतलब फरमाइश नहीं है जरूरत है तो जब जरूरत हो आवश्यकता हो इसके बिना जीवन अधूरा हो तो क्या लगाएंगे नीड लगाएंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नीड नीड्स नीडेड प्लस अब यहाँ पे आर्टिकल आए तो लगाओ ना आए तो सीधा नाउन ठोको इस तरह से काम चलेगा जैसे हमने बोला आई नीड अ शर्ट शर्ट यहाँ पे था तो आई नीड अ शर्ट यहाँ पे आर्टिकल आ रहा हो तो आर्टिकल लगा दो प्लस नाउन जैसे मनुष्य को हवा चाहिए मैन नीड्स एयर मैन नीड्स एयर मनुष्य को भोजन चाहिए मैन नीड्स फूड तो यहाँ पे जानना ही है बच्चे मुझे हवा चाहिए था आई नीडेड ऑक्सीजन है ना तो जहां भी इससे बोलना हो तो नीड नीड्स नीडेड का प्रयोग आप कर सकते हो और आर्टिकल ए एन चाहो तो लगाओ चाहो का मतलब अगर काउंटेबल होगा तो एन लगाना काउंटेबल नहीं होगा तो ए एन नहीं, तो नहीं लगाना ये बात समझ में आ सबको तो कहने का सेंस है वांट और नीड में क्या अंतर है वांट तब लगाना जब छोटा मोटा फरमाइश हो राइट नीड तब लगाना जब जरूरत हो जिसकी बिना जीवन अधूरा हो हमने क्या बोला मैन नीड्स एयर है ना आई नीड अ शर्ट आई नीड अ कार आई नीड अ हाउस तो जहां पे आवश्यकता हो जरूरत हो वहां क्या लगाएंगे हम नीड का प्रयोग करेंगे अगला देखते हैं रिक्वायर रिक्वायर का प्रयोग कहां करेंगे सर एक एक पॉइंट समझिए हमने कहा कि उसे एक बोतल शराब चाहिए अब मुझे आप बताओ कि उसे एक बोतल शराब चाहिए हमने तो चाहिए बोला लेकिन एक बोतल शराब चाहिए ये बोलो फरमाइश है कि आनंद की वस्तु है जल्दी बोलो आनंद की वस्तु, वस्तु है कि फरमाइश है, वस्तु है। क्या कहा फरमाइश ना ये आनंद की वस्तु है तो जब आपको प्लेजर चाहिए आनंद की वस्तु चाहिए यानी कि ऐस मौज करने के लिए चाहिए आपको सुख सुविधा के लिए चाहिए सुख स्वयं बढ़ोतरी के लिए चाहिए तो आप का प्रयोग करना जैसे आप बोलते मुझे एक नौकर चाहिए तो नौकर चाहिए ये जरूरत है फरमाइश है या भोग बिलास की वस्तु है तो जब कोई भोग बिलास की वस्तु ऐसो आराम की वस्तु हो जब सुख सुविधाएं बढ़ोतरी हो तो वहां पे रिक्वायर का प्रयोग करते हैं स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर रिक्वायर्स या रिक्वायर्ड प्लस ए एन रहा है तो ठीक नहीं तो नाम लगाएंगे उसे एक बोतल शराब चाहिए ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन उसे एक बोतल शराब चाहिए तो जहाँ पे मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा घर चाहिए आई नीड अ ब्यूटिफुल हाउस आई नीड अ ब्यूटीफुल सॉरी नीट नहीं लगेगा बच्चे रिक्वायर आपने भी नीट बुला था ना नीट तब लगेगा जब मुझे घर चाहिए आई नीड अ हाउस लेकिन मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा घर चाहिए ये भोगविलास की वस्तु है आनंद की वस्तु है प्लेजर की वस्तु है सुख सुदक वस्तु है तो आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुनने की बात तो आई नीड जरूरत आई रिक्वायर आवश्यकता नहीं भोग विलास की वस्तु ऐसो आराम की वस्तु सुख सुविधा बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयोग करेंगे रिक्वायर आई रिक्वायर अ सर्वेंट आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ बाइन पास्ट कर दोगे रिक्वायर्ड हो जाएगा ही रिक्वायर्ड अ बॉटल ऑफ बाइन ही रिक्वायर्ड अ ब्यूटीफुल हाउस तो रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत कैसा जहां भोग विलास की वस्तु हो ऐसो राम की वस्तु हो तो रिक्वायर्ड का प्रयोग कर सकते हो एग्जाम्पल होगा क्लियर क्या फिर से? आप चाहो तो लिख लो। अ अल हाउस इस वीडियो को पॉज करो बार बार लिखो तब जाके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है बच्चे आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ देखिए हम लोग और यहां पे अगला कहता है शुड शुड, शुड का प्रयोग कहां करना मैं आपको सिखा रहा हूं सेंटेंस जितना मर्जी करे आप सेंटेंस ले लो लास्ट में सेंटेंस आपको दे दूंगा शुड का मतलब होता है चाहिए अब चाहिए के लिए क्या करना है तो कैसा चाहिए भाई जब आप किसी को सलाह दे रहे हो किसी को मशवीरा दे रहे हो तो जब सलाह दे रहे हो मशवीरा दे रहे हो तो वहां पर शुड का प्रयोग करना सलाह के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड किसी को सलाह दे रहे हैं अगर पास्ट बोलेंगे तो शुड हैव लगा देना है ना तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रीड तुम्हें खेलना चाहिए यू शुड प्ले तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बस में तो जहाँ भी आपको चाहिए बोलना हो किसी को सलाह दे रहे हो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए यू शुड रीड इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए यू शुड स्पीक इंग्लिश इस तरह से आप बेहतर कर सकते हो अब आपके लिए अंग्रेजी दूर नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हो अब दिल्ली भी दूर नहीं है अब दिल्ली भी आकर पढ़ सकते हो मेरे पास जैसे भी हो आप अंग्रेजी सीख सकते हो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए यू शुड रीड इंग्लिश यू शुड स्पीक इंग्लिश यू शुड राइट इंग्लिश तो जितना मर्जी करें शूट से आप अंग्रेज़ी बना सकते हो ये आपके लिए बेहतर है जितना मन करे आप इस तरह से बोलो ठीक है बालक तो हमने क्या कहा किसी को सलाह देने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो लास्ट में मैं एग्जाम्पल ढेर सारे लिख दूंगा अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वो हम लोगों का है मस्ट मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं तो मस्ट तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए शुड तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए सलाह तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए क्या करें हम लोग उसे कंपल्सन बना रहे हैं तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए तुम्हें वहां जाना चाहिए यू शुड गो देयर तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए यू मस्ट गो देयर यानी कि मस्ट का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी वन प्लस तो यहां पे क्या लगाओगे जरूर चाहिए तो जब जरूर का सेंस आ जाए आवश्यकता ज़्यादा हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए यू शुड रीड इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए यू मस्ट रीड इंग्लिश मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं आपको मैं एग्जाम्पल बोल करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहा करूँ एग्जाम्पल लिखूंगा आपको अधिक टाइम लगेगा आप लिखो एग्जाम्पल कॉपी कलम निकाल करके पढ़ना शुरू करो देखो मत मेरा बीनू जब भी देखो कॉपी कलम के साथ और सारे बच्चों को दिखाओ पूरे भारत में क्रांति की तरफ लाओ और आप हमेशा आगे बढ़ें तो हमने कहा यू मस्ट राइट इंग्लिश तुम्हें अंग्रेजी अवश्य लिखना चाहिए तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए यू मस्ट स्पीक इंग्लिश तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए यू मस्ट गो देर तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए यू मस्ट प्ले तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए यू मस्ट प्ले क्रिकेट राइट तो मस्ट ना आपको अगला कॉन्सेप्ट देखो अब यहाँ मस्ट की बात हमने करा ज़रूर ये ऑटो कहाँ चाहिए भाई तो ऑटो का प्रयोग तब करना जब कोई मोरल की बात करता हो नैतिकता की बात करता हो नैतिक तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए शिक्षक का सम्मान करना चाहिए तो जहाँ भी नैतिकता की बात हो वहाँ शुड देखो ऑटू और, और शुड में कोई अंतर नहीं है ऑटू और, और शूड दोनों सेम है जहाँ भी ऑट टू आता है शूड आ सकता है लेकिन ऑटो का अपना एक कटसी है ऑटो का अपना एक महत्व है ऑटू तब लगाते हैं जब कोई मोरल की बात करता है जब कोई मोरल की बात करता हो तो मोरल की बात करता हो वहाँ पर ऑटो का प्रयोग करना स्ट्रक्चर आपके लिए वही है सब्जेक्ट प्लस ऑटू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड इसके लिए खास बातें हैं कि जब इसका नेगेटिव बनाते हैं ना तो इसका एक बहुत बच्चों से गलती हो जाता है कैसे पता है सब्जेक्ट प्लस ऑट नॉट टू होता है बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऑट टू नॉट करते हैं ध्यान देना बच्चा आप भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ऐसा ताकि आपका ध्यान रहे ऑट टू नॉट नहीं होता कभी ऑट नॉट टू राइट ऑट नॉट टू प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए यू ऑट टू यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स यू ऑट नॉट टू ओबे योर पेरेंट्स तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर यू ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट यू टीचर तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कहने का मेरा सेंस यह है बच्चे कि और टू का नेगेटिव ऑट नॉट टू होता है ऐसा मत करना कि और टू नॉट कर देना क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछा था और बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देते हैं तो ऑट टू नॉट नहीं होता है ऑट नॉट टू होता है आप समझ होंगे अब इसके सब सारे काम है कुछ एग्जाम्पल लिख कर मैं आपको दे दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप बेहतर काम कर सकते हैं आप समझ सकते हैं तो सबका आप एग्जाम्पल देख लीजिए अब आपके लिए हमने क्या किया कुछ एग्जाम्पल लिख दिया छोटे सा ताकि आप एक सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट सब में आई लिया आप चाहो तो आई बोलो यू बोलो ही बोलो शी बोलो दे बोलो राम बोलो लता बोलो कुछ भी बोलो हम बोला आई वांट अ रेड शर्ट आप बोल दो ही वांट्स अ रेड शर्ट यू वांट अ रेड शर्ट दे वांट अ रेड शर्ट है ना तो ही वांट्स। जब ही करेंगे तो क्या कर देंगे वांट्स। आई है तो क्या होगा वांट आई वांट अ रेड शर्ट यू वांट अ रेड शर्ट दे रेड शर्ट ही वॉन्ट्स रेड शर्ट तो यहां पे हमने वास्त का रेड शर्ट वाइट पेंट कर दो है ना आई नीड अ शर्ट आई नीड अ कार आई नीड अ हाउस ही नीड्स अ कार ही नीड्स अ शर्ट ही नीड्स अ कार है ना तो इस तरह से आ हम लोग आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल हाउस

स्पीक बोल दो यू शुड स्पीक दे शुड स्पीक यू शुड स्पीक दे ऑट टू रिस्पेक्ट तो वाट एवर तो आप।, तो आप जो बोलना चाहो आप आसानी से बोल सकते हो हमने कोशिश की है आपको सिखाने की वीडियो को दोबारा देखो तिबारा देखो चार बार देखो और जितनी बार देखो पॉज करके लिख लो और लिख करके एक सेंटेंस से हज़ार बनाइए एक सेंटेंस से जितना मन कर बनाइए और उसके साथ साथ सारे बच्चों को शेयर करके हर तरफ को सिखाइए इंग्लिश एक क्रांति की तरह फैलना चाहिए और क्रांति की तरह हर बच्चों को शेयर करके हर बच्चा सीखना चाहिए इस तरह से आप सीखिए तभी मेरा पर्पज सिद्ध होगा तभी मैं चाहूँगा कि आप बेहतर काम कर रहे हो और अब अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा हर हाल में आप सीख जाओगे थैंक यू वेरी मच